हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सना और आज मैं आपके साथ मेथी, आलू और मक्के के पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, साथ ही साथ हेल्दी भी होती है। तो आप इसे बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं या ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मेथी, आलू और मक्के का पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए 1 कप के बराबर बारीक कटी हुई मेथी ले ली है। मेथी को अच्छी तरीके से धो करके उसके जो पत्ते होते हैं, पत्ते पत्तों को मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिसे बिल्कुल बारीक ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 छोटी चम्मच अजवाइन लिया है। इस अजवाइन को हाथों में अच्छी तरीके से क्रश करके डालेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 पिंच के बराबर हींग। इसके साथ ही इसमें 2 से 3 हरी मिर्च बिल्कुल बारीक से चॉप करके डालें। अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे 1 छोटी चम्मच भर के। इसमें 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच भर के अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट इसमें आता है। 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। तो ये सारी चीज़ें जो है, मिर्ची और नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1/2 कप इसमें मैंने डाला है मक्के का आटा, 1/2 कप इसमें मैंने डाल दिया है गेहूँ का आटा। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको बराबर डालनी है, तभी आपका पराठा बहुत अच्छा बनेगा। अब हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक डो बना लेंगे। जैसे हम रोटी के लिए, पराठे के लिए डो बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का आटा गूंद करके तैयार करेंगे। पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, इसमें एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो आटा जो है थोड़ा सा पतला हो सकता है। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें। तो यहाँ पे देखिए आटा हमारा एकदम अच्छा सा गूंद के तैयार हो गया है। तो आटा हमारा तैयार हो गया है, इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे और 5 मिनट के बाद हम इसके पराठे बना लेंगे। 5 मिनट के बाद हम इसके एक लोई बना लेंगे। इस तरीके से जितना बड़ा पतला पराठा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आप लोई बना लें। इसके बाद इसको हम सूखे आटे में डस्ट करेंगे थोड़ा सा और अब इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। बेलने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, ऑयल या घी लगा लीजिए। तो आप चाहें तो इसके गोल गोल पराठे बना लें या फिर आप इस तरीके से ट्रायंगल बना लें या फिर स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं। तो मैं इसके ट्रायंगल शेप के पराठे बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये थोड़ा सा घी ले लिया है, इसको थोड़ा सा लगाएंगे अंदर की साइड, थोड़ा सा ऊपर की साइड लगा देंगे फोल्ड करके और अब इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे और इसको अब हम शेप दे देंगे इस तरीके से। अब पराठे को हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके बेल लेंगे। तो आटा इसमें थोड़ा सा सही से लगा लें आप सूखा आटा और इसको बेल लें। तो एकदम ट्रायंगल शेप में हम इसको बेल करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए ट्रायंगल शेप का हमारा पराठा रेडी हो गया है, बिल्कुल पतला सा मैंने पराठा बना लिया है। अब इसको सेक लेते हैं। जब पराठे को सेकेंगे तो इसके लिए तवे को आप पहले अच्छी तरीके से गर्म कर लीजिए। जब तवा अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो उसके ऊपर पराठा डाल देंगे और इसको एक साइड से सिकने देंगे। जब सिक जाएगा तो इसको पलट लेंगे इस तरीके से और पलट करके हम इस पर घी या ऑयल जो भी आप लगाना चाहें वो लगा लें। मैं इस पर थोड़ा सा घी लगा रही हूँ और दोनों साइड से घी लगा करके इसको अच्छा सा ब्राउन स्पॉट्स आने तक हम सेक लेंगे। तो एक साइड से घी लगा लिया है, अब दूसरी साइड से भी लगा लेंगे पलट करके। अब दूसरी साइड से भी घी लगा लेंगे इसी तरीके से। अगर घी आपने थोड़ा ज़्यादा लगा दिया है तो पलट करके आप दूसरी साइड से इस तरीके से इस पर घी लगा लीजिए और थोड़ा सा घी हम इस पर लगा लेते हैं और इसको सेक लेते हैं। अब इसको हम अच्छे से प्रेस करते हुए सेक लेंगे। साइड्स में अच्छे से प्रेस करते हुए इसको सेकिए, जिससे इस कॉर्नर इसके कच्चे ना रहे और हमारा पराठा कच्चा कच्चा ना लगे। तो ये देखिए एकदम अच्छे से हमारा पराठा सेक के तैयार हो गया है और इसी तरीके से हम बाकी के पराठे भी बना लेंगे। ये पराठे खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसी तरीके से बाकी के पराठे भी मैंने सेक लिए हैं, एक और पराठा मैंने सेक लिया है। इन पराठों को आप बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे और बहुत ही हेल्दी पराठे होते हैं। आप इनको ब्रेकफास्ट में बनाएं, सबको बहुत पसंद आएंगे। मैं इसको दही के साथ और चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे अचार के साथ या फिर दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। खाने में तो ये इसका टेस्ट बहुत लाजवाब होता है। बाकी के पराठे मैंने गोल गोल भी बनाए हैं, तो आप इस तरीके से गोल गोल पराठे भी बना सकते हैं। तो आप ये पराठे की रेसिपी बनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।